Class 10th, this is Seema ma'am, and we are going to continue the lesson, agriculture. Till now we have studied types of farming and the cropping pattern. Now we will continue the lesson. There are many types of crops found in India, grown in India. The major crops are rice, wheat, millets, pulses, tea, coffee, sugarcane, oilseeds, cotton and jute. Some are food crops and some are non-food crops. Rice. It is one of the staple foods of majority of people in India, and India is the second largest producer of rice after China. It is a kharif crop which requires high temperature above 25 degrees centigrade and humidity with annual rainfall above 100 centimeter. In the areas of less rainfall, it grows with the help of irrigation. तो सिंचाई की मदद से जहाँ पे पानी कम बरसता है वहाँ पे सिंचाई की मदद से राइस उगाया जाता है. और ये कहाँ कहाँ होता है? प्लेन्स ऑफ नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, कोस्टल एरियाज एंड डेल्टाइक रीजन्स. नाउ नेक्स्ट नेक्स्ट क्रॉप. अच्छा, दिस इज द मैप. लुक एट द मैप चिल्ड्रन. So this is a map of India in which the dark green area is the area of major rice producer, area of major rice production, and the light green area is where rice is grown but not in that much quantity as in dark green areas. So you have to learn on the map also and the areas also. Areas you can learn either state wise or the parts like northeastern part, coastal areas, deltaic regions, like this. Otherwise state wise is the best one, best thing to learn. Then next crop we will see is wheat. Wheat matlab gehun. Wheat is the second most important cereal crop and it is the main food crop in north and northwestern parts of the country. हमारा जो पंजाब का इलाका है और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश का इलाका है वहाँ पर गेहूँ सबसे ज़्यादा होता है. इट इज़ अ रबी क्रॉप और इसको एक कूल ग्रोइंग सीजन चाहिए होता है विद ब्राइट सनशाइन एट द टाइम ऑफ राइपनिंग एंड 50 to 75 सेंटीमीटर्स ऑफ एनुअल रेनफॉल इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द ग्रोइंग रीजन. कहाँ कहाँ होता है ये? गंगा सतलज प्लेन्स में होता है, इन द नॉर्थ वेस्ट एंड ब्लैक सॉइल रीजन ऑफ द डेक्कन. मेजर वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन कौन से हैं? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान एंड पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश. देन नेक्स्ट कम्स मिलेट्स. मिलेट्स जिसको मोटा अनाज कहते हैं हम, तो हमारे यहाँ बहुत सी मिलेट्स होती हैं एंड दिस इज़ ऑल्सो वेरी न्यूट्रिशस. जो हेल्थ कॉन्शियस लोग होते हैं वो ज़्यादा करके दे यूज़ मिलेट्स. ज्वार, बाजरा एंड रागी आर इम्पॉर्टेंट मिलेट्स ग्रोन इन इंडिया. है ना, मोटा अनाज मतलब कोर्स ग्रेन्स. दे हैव वेरी हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू. फॉर एग्जाम्पल, रागी इज़ वेरी रिच इन आयरन, कैल्शियम एंड अदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड रफेज. ज्वार इज़ द थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फूड क्रॉप विद रिस्पेक्ट ऑफ एरिया एंड प्रोडक्शन. इट इज़ अ रेन फेड क्रॉप, मतलब बारिश से ही की वजह होने से ही ये उगता है और इसको ज़्यादा इरीगेशन की ज़रूरत नहीं होती है. मेजर ज्वार प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश. बाजरा ग्रोज वेल ऑन द सैंडी सॉयल्स एंड शैलो ब्लैक सॉइल. मेजर बाजरा प्रोड्यूसिंग स्टेट्स राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा. रागी इज़ अ क्रॉप ऑफ ड्राई रीजन. तो रागी थोड़ा ड्राई रीजन्स में होता है. ऑन वेल ऑन इट ग्रोज वेल ऑन रेड, ब्लैक, सैंडी, लोमी एंड शैलो ब्लैक सॉइल्स. मेजर रागी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कर्नाटक, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड एंड अरुणाचल प्रदेश.
देन नेक्स्ट कम्स मेज़, मेज़ जिसको आप भुट्टा भी कहते हैं और यू कॉल इट कॉर्न, है ना, ये फूड क्रॉप भी है और फॉडर भी, मतलब जो बचा हुआ हिस्सा होता है ये जानवरों को खिलाया जाता है और बाकी जो इसका फल होता है दैट इज भुट्टा, वी यूज़ इट इन ईटिंग। ठीक है, तो खरीफ क्रॉप है ये एंड इट रिक्वायर्स 21 डिग्री सेंटीग्रेड टू 27 डिग्री सेंटीग्रेड एंड ग्रोज वेल इन ओल्ड एलुवियल सॉइल इन सम स्टेट्स ऑफ बिहार। मेज इज़ ग्रोन रबी सीजन ऑल्सो। देन वी यूज़ मॉडर्न इनपुट्स सच एज HYV सीड्स, फर्टिलाइजर्स, इरीगेशन एंड कॉन्ट्रीब्यूटेड टू इंक्रीजिंग हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड टू इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑफ मेज। मेजर मेज प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड मध्य प्रदेश। देन नेक्स्ट कम्स पल्सेस। पल्सेस मतलब दालें। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड द कंज्यूमर ऑफ पल्सेस इन द वर्ल्ड। क्यों? क्योंकि ये एक वेजिटेरियन डाइट का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। मेजर पल्सेस हमारे यहाँ जो होती हैं वो तुअर या अरहर दाल, उड़द, मूंग, मसूर, पीस एंड ग्राम। दिस इज कॉल्ड लेग्यूमिनस क्रॉप। क्यों? क्योंकि ये इट हेल्प्स इन रिस्टोरिंग सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन ऑफ द एयर into the soil. Therefore, mostly it is grown in rotation with other crops. Major rice producing states are Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Rajasthan, Maharashtra and Karnataka. You can see a map above of wheat growing areas. So, major wheat growing areas, you have to learn them. I suppose you should learn state wise, like Haryana, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, पंजाब, यू लर्न लाइक दिस। ओके, एंड यू लर्न द मेजर एरियाज, नॉट द माइनर एरियाज, मेजर एरियाज ही लर्न करो एंड लर्न हाउ टू मार्क देम ऑन द मैप ऑफ इंडिया। और इट ऑल नीड्स प्रैक्टिस, नथिंग एल्स। दे आर सम फूड क्रॉप्स अदर दैन ग्रेन्स लाइक शुगर केन। तो ये शुगर केन कोई ग्रेन तो है नहीं, पर ये क्या है, एक रॉ मटेरियल है फॉर आवर वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडस्ट्रीज जिसको शुगर इंडस्ट्री कहते हैं, है ना। तो अब ये क्या है शुगर केन, इसके लिए कैसी क्लाइमेटिक कंडीशंस चाहिए होती हैं, है ना। तो हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट विद टेम्परेचर ऑफ 21 डिग्री सेंटीग्रेड टू 27 डिग्री सेंटीग्रेड and annual rainfall between 75 centimeter to 100 centimeter। irrigation, जहाँ पर low rainfall होता है वहाँ irrigation चाहिए होता है। तरह तरह के soils पर grow कर सकता है ये, है ना। और manual labor मतलब बोने में भी लगता है और इसको निकालने में भी, from sowing to harvesting। India is the second largest producer of sugar cane only after Brazil। और इससे शुगर, गुड़, खंसारी, मोलेसेस सब कुछ बनता है। मेजर शुगर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब एंड हरियाणा। फिर ऑयल सीड्स आते ही हैं नेक्स्ट। ऑयल सीड्स मतलब जिससे तेल निकाला जाता है, है ना। तो हमारे यहाँ तो बहुत से ऑयल की ऑयल वाली सीड्स होती हैं, जैसे ग्राउंडनट, मस्टर्ड, कोकोनट, सेसम जिसको तिल कहते हैं, सोयाबीन, कैस्टर सीड्स, कॉटन सीड्स, लिनसीड, सनफ्लावर, है ना। ये सभी हमारे एडिबल और कुकिंग मीडियम्स हैं, है ना। और इसमें मस्टर्ड शायद उन्होंने नहीं बताया अभी तक हमने, तो मस्टर्ड ऑयल तो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। तो इन जनरल आप इसको एक ऑयल सीड्स का एक छोटा सा पैराग्राफ तैयार कर लेना। देन नेक्स्ट कम्स टी। टी जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे जैसे वीट, शुगर केन, राइस, वैसे ही टी इम्पॉर्टेंट है। टी कल्टीवेशन इज एन एग्जांपल ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर। ठीक है, ये एक बेवरेज क्रॉप है, मतलब पेय वाला है। और टी प्लांटेशन जो हैं ज़्यादा करके हमारे इंडिया में ही हैं। और क्या इसमें क्लाइमेट चाहिए होती है, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स,
सॉइल कैसी चाहिए होती है? डीप फर्टाइल वेल ड्रेन सॉइल, रिच इन ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। क्लाइमेट वार्म मॉइस्ट फ्री क्लाइमेट है ना, जो ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट के साथ हम क्या लिखेंगे, वार्म एंड मॉइस्ट फ्री क्लाइमेट, ठीक है। फ्रीक्वेंट शावर्स इवनली, अब हम प्रेसिपिटेशन या रेनफॉल वाले वाले कॉलम में क्या लिखेंगे, फ्रीक्वेंट शावर्स इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द ईयर, ठीक है। देन इट इज़ अ लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री। लेबर इंटेंसिव मतलब लेबर, हाथ से ये पत्तियाँ तोड़ी जाती हैं, एंड इट रिक्वायर्स अबंडेंट चीप स्किल्ड लेबर, है ना। अब देखो ये टी कल्टिवेशन, टी गार्डन्स दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पे तो ये वुमेन भी दिखाई दे रही हैं जो पीछे अपनी डलिया लगाए हुए हैं, एंड दे आर प्लकिंग द लीव्स, ठीक है। तो कहाँ कहाँ कौन से मेजर एरियाज हैं, आसाम हिल्स ऑफ दार्जिलिंग, असम हिल्स ऑफ दार्जिलिंग एंड जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल, देन तमिलनाडु एंड केरला, अपार्ट फ्रॉम हिमाचल, अपार्ट फ्रॉम दीज हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश एंड त्रिपुरा आर ऑल्सो प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन द कंट्री। देन नेक्स्ट कम्स कॉफ़ी। कॉफ़ी भी बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप है, जो कि पिछले अभी 2020 में इस पे क्वेश्चन आया था, तो इट इज़ है ना, इंडियन कॉफ़ी जो है वर्ल्ड की सबसे अच्छी बेहतर क्वालिटी इंडिया में होती है कॉफ़ी की। अरेबिका वैरायटी इनिशियली ब्रॉट फ्रॉम येमेन इज़ प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री, दिस वैरायटी इज़ इन ग्रेट डिमांड ऑल ओवर द वर्ल्ड, है ना। और ये बाबा बुडान हिल्स पे होती है, और नीलगिरी हिल्स इन कर्नाटक, केरला एंड तमिलनाडु। उसके बाद हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स देखो। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स मतलब जो फल और सब्जियों का, यू स्टडी दिस योर सेल्फ, कितने सुंदर पोमोग्रेनेट्स, एप्पल्स, एप्रिकॉट्स दिखाई दे रहे हैं पिक्चर में, स्टडी दिस पार्ट योर सेल्फ। देन नेक्स्ट कम्स द नॉन फूड क्रॉप्स। नॉन फूड क्रॉप्स में रबर आता है, एंड देन फाइबर क्रॉप्स आते हैं। आई डोंट सपोज रबर बहुत इम्पॉर्टेंट है, बट देन टू लर्न इट, इक्वेटोरियल क्रॉप है, मतलब इक्वेटर के आसपास के रीजन्स में सबसे बेहतर होता है ये, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज में, एंड इट रिक्वायर्स मॉइस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट विथ रेनफॉल ऑफ 200 सेंटीमीटर एंड टेम्परेचर अबाउट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। कहाँ कहाँ ज़्यादा होता है, ये केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान निकोबार, मतलब देखो ये इक्वेटर के पास वाले एरियाज में सबसे ज़्यादा होता है ना। नेक्स्ट वील स्टडी फाइबर क्रॉप्स। फाइबर क्रॉप्स में जूट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड कॉटन, ठीक है। सिल्क फाइबर, सिल्क का जो खेती होती है, सिल्क फाइबर का प्रोडक्शन होता है, उसको कहते हैं सेरी कल्चर, ठीक है। ये सब मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस हैं विच यू नीड टू नो वेरी नाइसली। तो द मेन थिंग इज़ दैट यू हैव टू रीड द लेसन ओवर एंड ओवर अगेन। क्वेश्चन आंसर्स वट एवर आई सेंड, उनको पढ़ने के अलावा, उनको लर्न करने के अलावा, यू हैव टू रीड द लेसन ऑल्सो। तो फाइबर क्रॉप्स में कॉटन सबसे पहले है। ये कॉटन, ये रॉ मटेरियल है फॉर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, हमारे कपड़ों की इंडस्ट्री का। इट ग्रोज़ बेस्ट इन ब्लैक कॉटन, ब्लैक सॉइल्स, तभी तो ब्लैक कॉटन सॉइल कहा जाता है। देखो कॉटन कल्टिवेशन, कॉटन का खेत दिखाई दे रहा है। अब कॉटन के लिए क्लाइमेट क्या चाहिए होती है, हाई टेम्परेचर, लाइट रेनफॉल और इरिगेशन, 2 10 फ्रॉस्ट फ्री डेज एंड ब्राइट सनशाइन फॉर इट्स ग्रोथ। कैसा क्रॉप है, इट इज़ अ खरीफ क्रॉप है ना, और 6 to 8 months मेच्योर होने के लिए लगता है। कहाँ होता है बेस्ट, ये महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट जूट। जूट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द गोल्डन फाइबर है ना, और ये वेल ड्रेन फर्टाइल सॉइल्स, फ्लड प्लेन्स में होता है ये, है ना, जहाँ डेल्टा होता है। हाई टेम्परेचर इज़ रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ग्रोथ। वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा एंड मेघालय मेजर जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स, और ये किस लिए यूज़ होता है, बैग्स, मैट्स, रोप्स, यार्न, कारपेट्स एंड अदर आर्टिफैक्ट्स बनाने के लिए यूज़ होता है। द नेक्स्ट हेडिंग वील लर्न इज़ टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स।
कि हमारे खेती एग्रीकल्चर में किस तरह के रिफॉर्म्स किए गए, क्या किया गया, क्या कोशिशें की गई जिससे हमारी खेती और बढ़िया हो गई। तो इसके लिए हमारे गवर्नमेंट ने बहुत से लॉज इम्प्लीमेंट किए और एबॉलिशन ऑफ, जैसे कलेक्टिवाइजेशन, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स, कोऑपरेशन एंड एबॉलिशन ऑफ ज़मींदारी प्रायोरिटी पे ये हुए, देन लैंड रिफॉर्म्स हुए। मेन फोकस इनका फर्स्ट 5 ईयर प्लान पे लैंड रिफॉर्म्स पे ही था, ठीक है। और उसके बाद ग्रीन रेवोल्यूशन आ गया, है ना, 60 और 70 के बीच में। देन वाइट रेवोल्यूशन, ठीक है, ऑपरेशन फ्लड, या ऑपरेशन फ्लड या वाइट रेवोल्यूशन मिल्क रेवोल्यूशन है। ग्रीन रेवोल्यूशन जो है ये एग्रीकल्चर से कंसर्न, हमारी हरित क्रांति, ठीक है। देन किसानों को क्रेडिट कार्ड्स, KCC, पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम्स, ना PAIS, है ना, इस तरह के बेनिफिट्स गवर्नमेंट ने ध्यान रखे। और साथ में रेडियो और टेलीविजन पे भी बहुत से प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस किए और स्टार्ट किए गए ताकि हमारे किसानों को सपोर्ट मिले। और वेदर कंडीशंस भी, बीच बीच में वेदर टेलीकास्ट होता है, बुलेटिन्स होते हैं। फिर हमारी गवर्नमेंट बहुत तरह से हेल्प कर रही है, हमारे इंडियन गवर्नमेंट हमारे किसानों को, जैसे फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है ना, ये हमारे किसानों से ग्रेन्स खरीदता है, स्टॉक करता है, PDS सिस्टम के थ्रू जो है डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं क्रॉप्स। फोकस है हमारी गवर्नमेंट का ऑन इंक्रीजिंग फूड ग्रेन प्रोडक्शन विच शुड बी ऑन सब्सटेंशियल बेसिस। देयर हैज़ बीन अ ग्रेजुअल शिफ्ट फ्रॉम कल्टीवेशन ऑफ फूड क्रॉप्स टू कल्टीवेशन ऑफ फूड फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ऑयल सीड एंड इंडस्ट्रियल क्रॉप्स। क्यों? क्योंकि ये जो हमारी ऑयल सीड्स हैं या फ्रूट्स हैं, इंडस्ट्रियल क्रॉप्स, ये भी बहुत अच्छे से इनसे पैसा पैदा होता है। फिर ध्यान दिया गया कि हमारा जो खेती है ये फर्टिलाइजर्स यूज़ हुए, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स, जिससे क्या हुआ, ड्रामेटिक रिजल्ट्स हुए और हमारा खेती बहुत ही अच्छी होने लगी। अब हमारा देश कहाँ पे है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से, वैश्वीकरण की वजह से, आफ्टर 1990 फार्मर्स ऑफ इंडिया जो हैं इनको नए चैलेंजेस मिले हैं, और नए चैलेंजेस की वजह से अब हम लोग बेहतर प्रोड्यूस कर रहे हैं राइस, कॉटन, रबर, टी, बेहतर क्वालिटी और स्पाइसेस वगैरह जो हैं हमारे इंटरनेशनल मार्केट में पहले भी जाते थे, बहुत बहुत समय पहले जब वास्को डी गामा आया था तब भी, और आज भी दे आर इन ग्रेट डिमांड ऑल ओवर द वर्ल्ड। बट येट हमारे यहाँ आवर फार्मर्स आर फेसिंग चैलेंजेस। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया में ही बेहतर से बेहतर क्वालिटी बनाने की होड़ लगी हुई है, ठीक है। ऑर्गेनिक फार्मिंग पे बहुत जोर दिया जा रहा है, विदाउट केमिकल्स, ऐसे फर्टिलाइजर्स, है ना, बिकॉज इट इज़ प्रैक्टिस विदाउट फैक्ट्री मेड केमिकल्स। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में केमिकल्स नहीं डाले जाते हैं, फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स नहीं डाले जाते हैं, एनवायरनमेंट फ्रेंडली तरीके से ये उगाया जाता है। तभी आप देखो कई चीज़ें हम लोगों की हर्ब्स हैं या हमारे क्रॉप्स हैं जो ऑर्गेनिक फार्मिंग से ग्रो करते हैं वो ज़्यादा महंगे होते हैं। देन सो चिल्ड्रन, वी हैव सीन कि एग्रीकल्चर हमारे यहाँ देश का जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी है, और तरह तरह से, है ना, डाइवर्सिफाई किया जा रहा है क्रॉपिंग पैटर्न, सीरियल्स से लेकर हमारे यहाँ हॉर्टिकल्चर या पल्सेस या मेडिसिनल हर्ब्स, फ्लावर्स, वेजिटेबल्स, बायोडीजल क्रॉप्स लाइक जेट्रोफा एंड जोजोबा, है ना, ये सभी उगाए जा रहे हैं, उसके साथ साथ मिलेट्स भी। सो इंडियाज डाइवर्स क्लाइमेट हैज़ बीन हार्नेस्ड टू ग्रो अ वाइड रेंज ऑफ हाई वैल्यू क्रॉप्स।
So children, we have finished the lesson. Thank you. And you have to focus on multiple choice questions, very short, long, all the questions. Multiple choice questions, you have to prepare yourself and read the lesson. It's a very interesting lesson. Thank you, children.